लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश का मूड समझने वाला एक सर्वे सामने आया है। जनता ने बताया है कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें कौन पसंद है। पीएम मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। भारत ही नहीं विदेशों में भी नरेंद्र मोदी की काफी लोकप्रियता है। वैसे तो अभी पीएम मोदी ने रिटायर होने का कोई इरादा नहीं किया है, लेकिन एक सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई है कि अगर पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनाया जाए तो कौन सबसे उपयुक्त होगा। इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे में देश की जनता का मूड जानने की कोशिश की है। इसी सर्वे में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भी लोगों का मूड पता चला है। वैसे तो बड़ी संख्या में जनता पीएम मोदी को ही नंबर एक पर रख रही है। 52.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2024 के लिए भी नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री पद पर अपनी पहली पसंद बताया है। पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनने के लिए जिन नेताओं में रेस है उनमें पहले नंबर पर अमित शाह हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में 26% लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन किया है। 25% लोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके उत्तराधिकारी के रूप में पसंद कर रहे हैं। नितिन गडकरी भी इस रेस में हैं। लगभग 16% लोग ऐसे हैं जो नितिन गडकरी को इस पद के लिए सही मानते हैं। पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर 6% लोगों की पसंद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। किसकी बनेगी सरकार? अगर आज देश में लोकसभा के चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी? इस सवाल के जवाब में बहुमत एनडीए की सरकार के पक्ष में आया है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से 298 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 153 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 92 सीटें जा रही हैं। प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 43%, यूपीए को 30%, जबकि अन्य को 27% वोट मिल रहे हैं।